पिछले 10 सालों में देश की जनता ने देखा है कैसे भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे असरदार वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया, लेकिन ये एक राजनीतिक वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को डालो, शरद चंद्र रेड्डी जैसे शराब कारोबारियों को डालो, बाहर निकल के आता है झूठे बयान और दूसरा भाजपा के लिए चुनावी चंदा। वहीं दूसरी तरफ देश के तमाम कलंकित नेता, उनको भाजपा अपनी तरफ ला रही है, ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को रोककर और फिर उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है। तो इसी श्रृंखला में एनसीपी के जो सीनियर लीडर हैं प्रफुल्ल पटेल जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम केसेस चल रहे थे, एक नहीं मल्टीपल केसेस चल रहे हैं सीबीआई और ईडी द्वारा, उसको एक केस में, अभी जो सूचना मिली है कि एक केस में प्रफुल्ल पटेल जी को मोदी जी की सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, मतलब केस खत्म। तो देश की जनता जानती है कि एयरक्राफ्ट, ये एयर इंडिया का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो सरकार और सरकार के ऐसे मंत्री जिन्होंने कोई प्लानिंग किए बिना एयरक्राफ्ट के एयरक्राफ्ट लिए गए। और अब ये सीबीआई की एफआईआर में लिखा है कि इसमें कई मिडिलमैन हैं, कुछ लोग हैं जैसे दीपक तलवार को कहा जाता है। ईडी खुद चार्जशीट में कहती है कि प्रफुल्ल पटेल जी के ये खास मित्र हैं। ये इकलौता मात्र नहीं है प्रफुल्ल पटेल जी का, और एक इनका मैटर है और ये तो इससे भी ज्यादा गंभीर है। और कहा जा रहा है कि इनके मुंबई के अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों से लेना देना है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी भूमिका रही, उन लोगों से प्रफुल्ल पटेल जी का कुछ लेन देन है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन आविष्कार किया है तो हर दिन तो उसको चालू रखना पड़ेगा, वरना तो जंग लग जाएगी उसे। तो हर दिन एक नेता को डाला जाता है और साफ सफेद होके आ जाते हैं भाजपा के लिए वोट बटोरने के लिए रेडी हो जाते हैं।